हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं किरण टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र ताज पैलेस के सामने अंध विद्यालय के पास चहल चौक हनुमानगढ़ रोड श्री गंगानगर। हमारी टीम ने यहाँ डॉक्टर किरण भादू जी से बातचीत की जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। यहाँ पर निसंतान दंपतियों के लिए विशेष इलाज, बार बार गर्भपात रोगों का नवीनतम इलाज, ट्यूबों की जाँच व इलाज, पेन रहित नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, मासिक धर्म की तकलीफ का बढ़ना, सफ़ेद पानी की तकलीफ का इलाज, बच्चेदानी के हर प्रकार के ऑपरेशन, बिना चीरे के बच्चेदानी का ऑपरेशन और भी बहुत सारी सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं। यहां पर फर्टिलिटी की जांच, IUI, IVF, हिस्ट्रोस्कोपिक, लेप्रोस्कोपी, डोनर सुविधा, हर प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर किरण भादू जी से बातचीत की, उनसे इस किरण टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। आज हम आपको मनाने जा रहे हैं डॉक्टर किरण भादू जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से इनफर्टिलिटी के केस में हेल्प कर रहे हैं वुमेन्स की इस एरिया में, गंगानगर में और आसपास के इलाकों में। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक जमाना था जब लोग जो है काम करते करते बच्चों को जन्म दे देते थे, लेकिन आज का जमाना जैसे है डिफिकल्ट हो रहा है काम, और पैकेट लगता है कि आने वाले समय में बेबीज को भी पैकेट होकर आना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां कुछ समय पहले प्रेगनेंसी होना भी आसान बात थी, डिलीवरी होना और भी आसान बात थी, विद टाइम जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से ना सिर्फ कंसेप्शन में दिक्कतें आने लगी है, डिलीवरी या उस प्रेगनेंसी को अनइवेंटफुली टर्म पर ले जाकर एक हेल्दी मां और हेल्दी बेबी देना भी एक बहुत बड़ा टारगेट बनता जा रहा है। और डॉक्टर साहब, आपका जो फील्ड है इनफर्टिलिटी का, क्या कहना चाहेंगे कि पहले कभी कभी कोई इनफर्टाइल कपल मिलता था, और अगर वो मिलता था तो भी वो अपने आप को छुपाते थे कि हमने ये बहुत डरे डरे उनका मेंटल एटीट्यूड बड़ा डाउन था, लेकिन आजकल जैसे ऑनलाइन जमाना हो गया है, लोग गूगल पे ऑनलाइन हो गए हैं और आजकल लोग छुपाते नहीं है और इनफर्टिलिटी की जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय के साथ में हर चीज में बदलाव आया है। जहाँ अगर हम शुरू से देखा जाए तो लेडीज की एजुकेशन काफी ज्यादा बढ़ गई है, उनकी शादी की उम्र बढ़ती जा रही है, हमारे आसपास के माहौल में बहुत फर्क पड़ गया है और खाने पीने में बहुत फर्क पड़ गया है, तो इन और लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा फर्क पड़ गया है, तो इन सभी चीजों का असर ह्यूमंस के या अपने कपल्स के प्रजनन क्षमता या फर्टिलिटी में भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। जहाँ शादियां पहले जल्दी हो जाती थी, कंसेप्शन भी जल्दी हो जाते थे, अभी शादियां तो लेट हो ही रही हैं एंड कपल कुछ पर्सनल टाइम भी चाहिए होता है तो वो प्रेगनेंसी को और डिले कर देते हैं, तो इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते जा रहे हैं। इसके अलावा लोग विलिंगली भी अपनी प्रेगनेंसीज को या फर्टिलिटी को पोस्टपोन करना चाहते हैं ताकि दे कैन पे अटेंशन टू देयर करियर, दे कैन प्लान देयर प्रेगनेंसी एट द राइट टाइम जब उनको चाहिए कि अब हम बच्चा लेने के लिए तैयार है, तो उसके लिए भी जो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं काफी एडवांस हो गई हैं उसकी हेल्प के लिए भी। डॉक्टर साहब, आपने अपना करियर जब शुरू किया और पीजीआई में आपने अपनी सेवाएं ली हैं, एमएस किया आपने, क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हजारों की गिनती में जो लोग हैं उनकी वहां पर आमद रहती है, और वो कारण है कि आपका जो हाथ है हर चीज में, सर्जरी में हम गल करेंगे, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात कर लें और चीज की बात कर लें, तो आपने बहुत साफ सुथरा जो हाथ बना हुआ है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वहां पर आपको बहुत बड़ा मिला है। जी हाँ, पीजीआई इंडिया में और वर्ल्ड में भी काफी एक नामी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हर टाइप के और बहुत ही अच्छे केसेस मुझे देखने को और सीखने को मिला। मेरा इंटरेस्ट भी फर्टिलिटी प्रैक्टिसेस में वहीं से जागृत हुआ। जहाँ इनिशियली मैं एक सर्जरी में प्रो रहती थी, मुझे सर्जन बनने का शौक था, लेकिन पीजीआई में जाने के बाद मुझे इनफर्टिलिटी की तरफ रुझान हुआ, एआरटी की तरफ रुझान हुआ और इसीलिए मैं आगे चल के फिर फेलोशिप भी किया। पेशेंस ही हमें सिखाते हैं, पेशेंस ही हमारे टीचर हैं सबसे बड़े, उसमें फिर अगर पीजीआई जैसे अनुभवी टीचर्स का सपोर्ट मिलता है तो आपकी जो फाइनेंस है और बढ़ जाती है। इसके लिए मैं थैंकफुल टू माई पीजीआई टीचर्स कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला उनकी वजह से, और मेरे पेशेंट्स की वजह से भी जिन्होंने मुझे हमेशा सिखाते रहे हैं और आगे भी आई एक्सपेक्ट कि मैं उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखती रहूंगी। अगर हम बात करें, कोई जमाना था जब बाबाओं के पास लोग जाते थे और आजकल आप डॉक्टर एक भगवान का रूप समझकर, क्योंकि जिस बंदे के दांत मिलती है बेटे की, क्या यही कारण था कि यहाँ पर जब जैसे आप तो सिंपलिसिटी के साथ वहां आपने इनफर्टिलिटी के इतने केसेस पीजीआई में सॉल्व किए हैं, उनको कोई टाइमिंग पीरियड होती थी,
या कोई थायराइड की वजह से आपने बहुत सारे केस वहाँ ही सॉल्व कर लिए थे, क्या वहाँ से तो इंटरेस्ट आपका ज्यादा पड़ गया? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन करते हैं तब तक हमारा माइंड बहुत ही इमेच्योर होता है, हमें नहीं इतना आइडिया होता ब्रांच का। वंस वी ज्वाइन दैट ब्रांच तब हमें उसकी इंट्रिकेसीज, उसकी डिटेल्स का पता चलता है कि क्या है, किस चीज के बारे में है, उसमें क्या क्या एडवांसमेंट होती जा रही है, हम कैसे ऐसे कपल्स की हेल्प कर सकते हैं जो निराश हो चुके हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, कुछ यंग है, कुछ ओल्ड है, कुछ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, कुछ रिकरेंट अबॉर्शन है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, जिनको किसी भी कारण से बच्चा नहीं मिल पा रहा है, बार बार बच्चे जिनके खराब हो रहे हैं, उनके लिए आजकल बहुत ज्यादा एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। उसमें एक्सपोजर मुझे पीजीआई से शुरू हुआ था, जो कि फिर मैंने फर्दर दिल्ली में मुझे और एक्सपोजर मिला, तो मुझे उसका काफी फायदा हुआ और मैं पेशेंट्स की हेल्प कर पा रही हूँ उसके थ्रू। एंड सर, इनफर्टिलिटी में जैसे आप तो एक ऐसे डॉक्टर माने जाते हैं जो आईवीएफ के बिना ही मतलब जो संतान की प्राप्ति लोगों को करा रहे हैं, क्या माने कि आपकी जो काउंसलिंग है उसको हम माने, या हम आपका माने कि आपका जो एक्सपीरियंस है कि जो सिंपल सिंपल जो चाहे एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, उनको आप सिंपल आपके पास प्रोसीजर ऐसे हैं, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ एक सर्जन भी है, तो वो चीजें दोनों मिल जाती है, तो क्या समझे कि आईवीएफ तो आपके लिए एक लास्ट रिजोर्ट होता है, जो आप मतलब 80% जो है वो कोशिश करते हैं कि वैसे ही फर्टाइल हो जाए कपल और 20% आईवीएफ को यूज करें? जी हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हर एक कपल के अंदर ही हमें आईवीएफ करना पड़ता है। अगर कोई भी कपल सही टाइम पे हमें अप्रोच करे, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं इनफर्टिलिटी होने के, कारण के हिसाब से फर्दर ट्रीटमेंट गाइड किया जा सकता है। अगेन अगर हमारे पास में सही टाइम पे अप्रोच करे तो हम टाइमली एक्शन लेके नॉर्मल तरीकों से भी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। उसके लिए कपल को फर्स्ट कंसल्टेशन एंड देन डिटेल इवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें उसके बहुत कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे हमें आइडिया लगता है कि इस कपल में इस ट्रीटमेंट से हमें बेनिफिट होने की संभावना ज्यादा है। आईवीएफ अगेन उसमें लास्ट रिजॉर्ट है, अगर किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं मिल सकता या फिर उसकी बीमारी ऐसी है कि जिसमें नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी शायद अचीव नहीं हो पाएगी, सिर्फ उन्हीं कपल्स में ही हम आईवीएफ की सलाह देते हैं। अगर हम बात करें प्रोसीजर्स की, इनफर्टिलिटी के प्रोसीजर्स की, IUI जो प्रोसीजर है बहुत लंबे समय से चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे केस तो आप IUI के साथ ही जो है सॉल्व कर देते हैं? जी हाँ बिल्कुल, जिन कपल्स ने नॉर्मल तरीके से अंडे बनने में नहीं बनते हैं या फिर नॉर्मल तरीके से दवाई लेने के बाद में भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई है मगर उनकी ट्यूबें खुली हैं, हस्बैंड की रिपोर्ट मोर और लेस नॉर्मल है, थोड़ा बहुत कमी है जो कि दवाइयों से पूर्ति करी जा सकती है, उन कपल्स में IUI से प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। IUI एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम लेडी को या फीमेल पार्टनर को एग्ज बनने की दवाई देते हैं और एग रप्चर होने का इंजेक्शन लगाते हैं जब एग मेच्योर हो जाता है, और उसके टाइमिंग के हिसाब से हस्बैंड का जो सीमेन होता है या वीर्य जो होता है उसको तैयार करके उसमें से मरे हुए शुक्राणुओं को हटा के अच्छे मूवमेंट वाले शुक्राणुओं को कंसंट्रेट करके और स्त्री के गर्भाशय में डाल देते हैं। इस प्रोसीजर को IUI कहा जाता है। इससे प्रेगनेंसी होने का चांस जो है 10-15% बढ़ जाता है। लास्ट रिजोर्ट की हम बात करें, अगर IUI के साथ भी नहीं होता तो IVF क्या टेक्निक है और कैसे आज IVF के साथ हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं जो वो भी इस चीज को अवेल कर रहे हैं और संतान की प्राप्ति ले रहे हैं। IVF जैसे कि आपने बताया एक लास्ट रिजॉर्ट है, जिन लोगों की, जिन कपल्स की या तो एज बहुत एडवांस हो चुकी है या जिनके एग्स का स्टेटस बहुत कम हो गया है, जिनके एग बहुत कम हो गए हैं या जिनमें शुक्राणुओं की समस्या थोड़ी ज्यादा है जिनके पार्टनर्स में, या फिर जिनको नॉर्मल तरीकों से फायदा नहीं हुआ है या बहुत टाइम हो गया है उनकी शादी को जिससे बहुत साल निकलने के बाद में अब वो नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उनमें IVF एक वरदान है। IVF में अगेन हम लेडी के अंदर अगर अंडे हैं उसके अपने या डोनर से एग्स लेके उसमें पहले एग बनने की मेडिसिन देते हैं, जिन्हें की 10-12 दिन के इंजेक्शन के बाद में अल्ट्रासाउंड के थ्रू बिना चीरा लगाए सुई की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है और फिर वीर्य के साथ मिक्स करके या बना के इसी के थ्रू एम्ब्रियो या भ्रूण बनाए जाते हैं, जो भ्रूण 3rd या 5th दिन में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, फिर उसमें से कुछ भ्रूण 1 या 2 सिलेक्ट करके गर्भाशय में स्थापित किए जाते हैं। इस प्रोसीजर को IVF कहा जाता है। और जब एक किसी भी पेशेंट को आप लंबे समय तक ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे एक आत्मीयता का रिश्ता आपका बन जाता है, आप चाहते हैं कि आपके पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, उसे बेस्ट से बेस्ट आउटकम मिले और वो घर पर एक हेल्दी बेबी लेकर खुद जाए और खुद भी हेल्दी रहे। उसके लिए जरूरी है कि ना सिर्फ कंसेप्शन इम्पोर्टेंट है, कंसेप्शन के बाद में उसकी एडिक्वेट
केयर भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चा पूर्णतया हेल्दी हो, उसमें कोई नुक्स नहीं हो, उसमें कोई खराबी नहीं हो, टाइम से पहले डिलीवरी, इन केस बाय चांस ऐसे चांसेस बनते हैं तो भी बच्चे को बचाया जा सके। उसके लिए जरूरी है कि वो कॉन्स्टेंट सुपरविजन, एक अच्छे ऑब्स्टेट्रिशियन की सुपरविजन में रहे, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जिसके लिए आप यहाँ बहुत ज्यादा मशहूर हैं और कई डॉक्टर्स भी आपको बुला रहे हैं गायनी वाले, क्या कहना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज आज जैसे आपके साथ साथ असिस्टेंट है आपको हमारे डॉक्टर भानु जी की जो यहाँ पर अपनी सेवाएं एज ए डॉक्टर साथ में दे रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, एक मल्टी, जैसे कि हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जिन पेशेंट्स में चाहिए होती है उसमें काफी आसानी होती है। पेशेंट को हमें दूसरे सेंटर पे भेजने की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहती है, बेनिफिट मिलता है पेशेंट को इसका जो एक ही सेंटर पे, वन स्टॉप सेंटर पे उसे सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। जैसे कि अभी आप हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की बात कर रहे हैं, जिन पेशेंट्स में शुगर है, बीपी का प्रॉब्लम है या पहले रेकरेंट लॉसेज होने के बाद में एक्ला पॉजिटिव या रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होने का खतरा है, उन पेशेंट्स में, या ट्विन प्रेगनेंसीज कहेंगे उन पेशेंट्स में, अनीमिया, सीवियर अनीमिया जो कि बहुत कॉमन है इस बेल्ट में, उन सब पेशेंट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छी ऑब्स्टेट्रिक केयर की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास में हाई रिस्क प्रेगनेंसी की केयर करने का बहुत ही अच्छा सिस्टम है, सेटअप है, तो पेशेंट्स कैन अवे द बेनिफिट्स इट। सर, मेल इनफर्टिलिटी जो कि किसी समय पर तो मानी नहीं जाती थी, लोग मानने को तैयार नहीं होते थे कि मेल में भी इनफर्टाइल है, वो कहते नहीं हमारे बेटे को कोई नहीं हुआ और अपनी बहू को लेकर आते थे, उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। लेकिन आजकल मेल इनफर्टिलिटी भी, वैसे तो पहले भी 50-50% या 40-40% 20% जो है अनएक्सप्लेन रहता था, क्या कहना चाहेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत बढ़ी हुई है और उसके लिए भी यहाँ पर जो इस सेंटर में दोनों कपल्स को देखा जाता है, अगर मेल में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी कई विधि है, जैसे आप अभी एक सी विधि की बात कर रहे थे तो उसके साथ आप मेल को भी ताक के बादशाहों के पास ना जाकर बल्कि एक स्पेशलाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बीमारी है जो बिल्कुल क्रिबल है। मेल इनफर्टिलिटी काफी बढ़ गई है, इसके लिए हमारा खान पान पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज होने लग पड़ा है, नशे का बहुत इस्तेमाल करने लग पड़े हैं युवा, स्मोकिंग काफी रैम्पेंट है, ये सब चीजें पहले इतनी नहीं थी, इसी वजह से अब जो हो गई है तो इनसे भी मेल फर्टिलिटी पे बहुत फर्क पड़ा है, शुक्राणु की या तो अमाउंट में या गतिशीलता में बहुत ज्यादा फर्क नजर आने लगे हैं। ऐसे लोगों के लिए भी अभी इलाज संभव है, दवाइयों से भी उनका इलाज हो सकता है, जिन केसेस में दवाइयां कारगर नहीं है उनमें स्पेशल सर्जिकल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि इक्सी है या इमसी है, उसके थ्रू हम उनमें प्रेगनेंसीज अचीव कर सकते हैं। अगर शुक्राणु, अगर सीमन या वीर्य में शुक्राणु नजर नहीं भी आ रहे हैं मगर यदि शरीर में बन रहे हैं तो उन्हें हम सर्जरी की सहायता से निकाल के भी इक्सी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका अपने जेनेटिक मटेरियल वाली संतान का सपना आप पूरा कर सकते हैं। इसीओ अगेन, हमारे लाइफस्टाइल में जितना चेंजेस आ गए हैं उनसे पीसीओ में काफी अधिकता देखी जा रही है, जहाँ पीरियड्स के अंदर इरेगुलरिटी, हर्सुटिज्म यानी कि चेहरे या शरीर के बालों की अधिकता होना या मुहांसे होना या वजन बहुत ज्यादा होना या पीरियड्स ना आने पर हैवी बहुत ज्यादा पीरियड आना, ऐसी समस्या देखने में आ रही है। इन लोगों में आगे चल के शुगर या बीपी की समस्या होने का रिस्क भी ज्यादा रहता है। अगेन इसमें बच्चा या फर्टिलिटी में भी फर्क पड़ सकता है, बच्चा होने में भी दिक्कत हो सकती है, तो जरूरी है कि वो टाइमली मेडिकल केयर सीख करें। जिन लोगों में ऐसे फीचर्स या सिम्टम्स हैं उन्हें आके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उन्हें टाइमली इंटरवेंशन के थ्रू नॉर्मल तरीकों से प्रेगनेंसी अचीव करने में थोड़ा आसानी रहता है। साहब, एंडोमेट्रियोसिस जो कि एक बिगड़ा हुआ रूप ही है पीसीओ का, क्या कहना चाहेंगे कि उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आजकल? जी हाँ, एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसमें कि जो एंडोमेट्रियम या यूट्रस की जो झिल्ली होती है वो यूट्रस के अलावा बाकी सब जगह में पाई जाती है, तो उसकी वजह से ट्यूबों पे भी असर पड़ता है, ओवरीज में गांठें पड़ जाती हैं, ट्यूबें बंद हो सकती हैं, ट्यूबों में पानी भर सकता है, इन सबका फर्टिलिटी पे भी फर्क पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फीमेल को बहुत ज्यादा पेनफुल मेंसेस होना, पेट में दर्द रहना, इन सबकी बहुत ज्यादा तकलीफ रह सकती है। इसमें अगेन वही जो भी कारण हो इनफर्टिलिटी होने पे, इन्हें टाइमली एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इन्हें अपने एज से प्रेगनेंसी अचीव करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, आज हम स्टार्ट करा हमने गंगानगर का, और हम चाहेंगे डॉक्टर किरण जैसे आप सेवाएं दे रही हैं पीजीआई के पास आउट है, तो हम आप जैसे डॉक्टर्स को अपने चैनल पे और दिखाएं और लोगों का भला हो।
जाते जाते हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या कैपेसिटीज अवेलेबल है आपके हॉस्पिटल में गायनी के लिए और इनफर्टाइल कपल्स के लिए? हमारे सेंटर पर गायनी के लिए ऑल गायनी सर्जरीज, गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, डायग्नोस्टिक हिस्टरोलैप्रोस्कोपी की फैसिलिटीज अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की लिए जो भी केयर कर सकते हैं हमारे पास में नेनेटोलॉजी की सर्विसेज हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की और बड़ी ऑब्स्टेट्रिक केयर की हमारे पास सर्विस है। हमारे पास मेन हॉस्पिटल लैब है, सो दैट द पेशेंट को कहीं और जाने की भागने की रिक्वायरमेंट नहीं रही लैब फैसिलिटीज की लिए। हमारे पास मेन हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हमारे पास एआरटी लैब है जिसमें कि पेशेंट्स जिनको आईवीएफ की रिक्वायरमेंट है उनकी जरूरतों को हम पूरा कर सकें। आईयूआई लैब है, आईयूआई की फैसिलिटीज भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। दीज आर द ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी फैसिलिटीज अवेलेबल इन आवर हॉस्पिटल। थैंक यू डॉक्टर। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं घुटने के दर्द के बारे में बताऊंगा। जो अपना घुटना होता है वो दो हड्डियों से मिलकर बना होता है, ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी, बीच में इसके वासर होती है और इनके बीच के ऊपर दो लिगामेंट्स होते हैं और ऊपर झिल्ली होती है, इसी से आपका घुटना मुड़ता है। जब उम्र के साथ साथ ये जो बीच की गद्दी होती है वो घिसती रहती है और अपना घुटना धीरे धीरे टेढ़ा होता जाता है। जब टेढ़ा हो जाता है तो धीरे धीरे पेशेंट की चाल भी बदलती जाती है। फीमेल में ये 40-50 के आसपास होता है, मेल के अंदर ये अराउंड 70 के आसपास होता है। ये एक उम्र के साथ घिसने वाली खराब होने वाली चीज़ है जिसका कि टाइम के साथ ध्यान रखा जाए तो इलाज किया जा सकता है। शुरुआती जो दर्द होता है उसकी फिजियोथेरेपी, कोई दर्द की दवाइयाँ और चलने का तरीका बताया जाता है, स्पेशल एक्सरसाइज बताई जाती है जिससे वो ठीक हो जाता है। अगर ये ध्यान नहीं दिया जाए तो परसिस्टेंटली टेढ़ा होता जाता है और जो हम कहते हैं कि घुटने खराब हो गए वो स्थिति हो जाती है। टोटल नी रिप्लेसमेंट जिसमें कि घुटने के हिस्से को बदला जाता है, जो आपका घुटना होता है ऊपर का और नीचे का हिस्सा बदल दिया जाता है, बीच में नई वासर डाल दी जाती है। जैसा कि इस पेशेंट में बीच का स्पेस खत्म हो गया है, हड्डी जो सीधी होनी चाहिए वो टेढ़ी हो गई है, नई हड्डियां बन गई है जिसके कारण हड्डी मोड़ने में दिक्कत आ रही है। पूरा टेढ़े होने का इस तरफ से खिंचाव आ गया है, यहाँ से जो लिगामेंट्स है वो डिले हो गए हैं। इसका रिप्लेसमेंट के बाद हमने ऊपर के हिस्से में इतना हिस्सा काट के नया लगाया है जो यहाँ पे दिख रहा है। इसमें जो नीचे का हिस्सा है ये जो टेढ़ा हो गया उसको हमने सीधा किया गया, बीच में एक वासा लगाई है जो एक्सरे में नहीं दिखती है। अगर इसको हम साइड से देखें तो साइड से पूरा कवर करता है इसको, ताकि पेशेंट अगर घुटना मोड़े तो उसको पूरा कवर करे, तो पेशेंट को घुटना मोड़ने में भी दर्द नहीं होता, सीधा चलने में भी दर्द। मेरे माता जी हैं, इनके घुटनों में पिछले 17 सालों से काफ़ी दर्द था, ये चल नहीं पाते थे। अब हमने श्री गंगानगर से श्री कैलाश हॉस्पिटल में संदीप बहादुर जी से ऑपरेशन करवाया है और अब ये बिल्कुल ठीक है। आज 7वां दिन है, काफ़ी अच्छी तरह से चल सकते हैं और कोई दर्द नहीं है इनके घुटनों में।